विरोधी को तो बोलने का काम है, काम नहीं किया, वो अपना काम के बारे में नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। विकास देखने की चीज होती है, किसी के कहने या विरोधी कहने से नहीं होती है, वो तो देखा जाएगा। आप भी देख सकते हैं, पूरे जनता देख रही है। अगर विकास नहीं हुआ तो 15 साल से जनता क्यों वोट दे रही है। ये कास्ट कुछ जानवे नहीं करते हैं, सब इनके लिए सब एक कास्ट है। विकास के नाम पर वोटें मिल रहा है, अगली बार तो और ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो काम चाहिए जनता को, जितना सोचते हैं हम लोग उससे अधिक ही करते हैं अपने आप। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। हम अभी लखीसराय के डुमरी पंचायत में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ समाज सेवी पिंटू सिंह मौजूद हैं। इनकी प्रत्याशी का नॉमिनेशन हो चुका है, नॉमिनेशन का हमने आपको पूरा कवरेज दिखाया था, आपने देखा था किस तरीके से जन समर्थन उन्हें मिला था और इस जन समर्थन के ही सहयोग से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भी जीत पक्की है। पिंटू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके प्रत्याशी का नॉमिनेशन हो गया इस बार, आपने भी देखा कि पूरा समर्थन जनता को अब मिल रहा है आपको, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जनता का समर्थन देखने को मिला? समर्थन पूरा है जी, समर्थन में कहीं कोई कमी है नहीं और जीत पक्का है, पक्का है, भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, एक बात और है कि लगातार आपके विरोधियों की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि विकास के नाम पे कागजी विकास हुआ है, धरातल पे भी विकास दिखता नहीं है, ऐसे में क्या इस आरोप का क्या जवाब देना चाहते हैं? 15 साल से हम चुनाव जीत रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। विकास के नाम पर हम वोट देता है हम लोगों को, विरोधी को तो बोलने का काम है, काम नहीं किया, वो अपना काम के बारे में नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरे के बारे में सोचता है, वो तो अंदाज मिल जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर आपसे, फिर हम लोगों से यहाँ बात करेंगे, जनता से इस बार आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगातार जनता समर्थन दे रही है, भरपूर सहयोग दे रही है और आप जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या अपील करना चाहेंगे? अपील वोट देगा, हम जीतेंगे, हम काम किए हैं, काम में कभी विकास के नाम पर ही वोट मांगते हैं, 24 घंटा जनता के बीच में हम रहते हैं, 5 साल यानी कि अभी चुनाव आया तभी है, 5 साल 24 घंटा जब बुलाया तब हाजिर है। जो कमी रह गई थी अब इस बार पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और भी लोग इनसे हम बात करेंगे, लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए कि आप जैसा ही कहा पिंटू सिंह जी ने, विरोधियों का काम है बोलना, विकास कहा जा रहा है कि धरातल पर नहीं है। विकास देखने की चीज होती है, किसी के कहने या विरोधी कहने से नहीं होती है, वो तो देखा जाएगा। आप भी देख सकते हैं, पूरे जनता देख रही है। अगर विकास नहीं हुआ तो 15 साल से जनता क्यों वोट दे रही है, ये तो सिंपल सी बात है। ये किसी के कहने से नहीं होगा कि विकास हुआ या नहीं हुआ, वो धरातल पर दिख रहा है। हर एक घर में नल है, हर एक रोड गली में नाला है, रोड है, सभी जगह है, तो दिख रहा है विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के इसमें आपको क्या लगता है कि जो अब तक विकास हुआ अब जो है क्या कमी रह गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की बात कर रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में खास करके डुमरी पंचायत में निरंतर पिंटू सिंह आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर कि मिडिल स्कूल है, यहाँ कन्या विद्यालय है, ये है, यहाँ पर इनका प्रयास रहता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आवे और अच्छी शिक्षा हो, वहाँ पर निरंतर वहाँ जाते रहते हैं, स्कूल का निरीक्षण करते रहते हैं किस तरह से ये स्कूल चले और अच्छा से सभी लोगों का विकास हो। और ख़ास करके स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के बारे में यहाँ का बगल में हॉस्पिटल है, प्राथमिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी इनका पूरा योगदान रहता है, किसी का आना है, किसी पंचायत से आना है, उसको ठीक से स्वास्थ्य मिले, दवा मिले, इलाज हो। यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि जनता को जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो पिंटू सिंह जी अपने स्तर पे उस चीज़ को दूर करते हैं। हाँ, अपने स्तर से दूर करते हैं और 24/7 रहते हैं मौजूद जनता के लिए। ये नहीं है कि चुनाव है, चुनाव के माध्यम से मौजूद रहते हैं और अलग से भी रहते हैं, दबे कुचले गरीब हर एक के साथ ये खड़ा रहते हैं दिन रात, और किसी तरह का भी काम आता है, विकास से अलग हट के भी काम आता है, किसी का निजी भी काम आता है, तो उसमें दिन रात ये मदद करते रहते हैं पूरे पंचायत के लिए। सर,
अगर अलग अलग वर्ग की बात की जाए तो कई बार लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि एक किसी खास इस पर ध्यान दिया जाता है, दूसरे वर्ग को छोड़ दिया जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें पिंटू सिंह जी की, तो क्या लगता है कि हर वर्ग पर ध्यान दिया गया? ये हर वर्ग पर, ये कास्ट कुछ जानवे नहीं करते हैं, सब इनके लिए सब एक कास्ट है। सब मैंने सारे जितने भी पंचायत के आदमी हैं सभी को मान सम्मान बढ़िया से करते हैं, इन्हीं के चलते इनका वर्चस्व बना हुआ है पंचायत पे और इन्हीं के वजह से जीतते भी। इस बार क्या लगता है कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है? भारी बहुमत से जीतेंगे, इनके इसमें कोई दाग नहीं, क्योंकि काम में इतना किए हैं कि इसका कोई खिलाफे करने वाला नहीं। खिलाफ करने वाला तो खिलाफ करवे करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विरोधियों की बात को उतना ध्यान आप लोग नहीं दे रहे? नहीं, विरोधी की बात पर कोई ध्यान हम लोग नहीं दे रहे हैं, आम पब्लिक कोई भी नहीं दे रहा है। सीधा आपका मतलब पिंटू सिंह जी का, आप लोग का जो समर्थन कर रहे हैं, उनका एजेंडा यही है कि सीधा सीधा जनता का विकास होना चाहिए, जनता विकास खोजती है, विकास होना चाहिए। नहीं, विकास करवे किया है, विकास किया नहीं तो 15 साल जीता कैसे? विकास के नाम पर वोटें मिल रहा है, अगली बार तो और ज़्यादा बहुमत से जीतेगा, इस बार और ज़्यादा बहुमत से जीत रहा है। तो देखिए, सीधा सीधा लोगों का कहना है कि अगर बात की जाए विकास की तो विकास हुआ है। विरोधियों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो भी उसको निराधार बताया जा रहा है कि विरोधी लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, लेकिन उस आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। विकास, और इनका सीधा कहना है कि अगर विकास नहीं हुआ है तो जनता हमें समर्थन जो करते आ रही है वो नहीं करती। और भी लोग हैं यहाँ पे, अगर बात की जाए विकास की तो क्या लगता है, पूरा विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ है यहाँ, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो काम चाहिए जनता को, जितना सोचते हैं हम लोग उससे अधिक ही करते हैं अपने आप। हाँ, हर वर्ग को ताकि सेवा के लिए सही बोले 24 घंटा एकदम टाइम देते हैं, इनको और दूसरा कोई काम नहीं है, जनता का सेवा करना, हर वर्ग का समर्थन। हाँ, इनके नज़दीक सबको एक तराजू में ही लेकर के चलते हैं, यहाँ न किसी से कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक समान है। आप देख सकते हैं सीधा लोगों का यही कहना है कि समर्थन जो है वो इस बार भी जनता का मिलेगा और विकास के नए नए आयाम गढ़े हैं पिंटू सिंह जी ने, और आगे भी आने वाले समय में वो विकास जो है, जो भी जनता को परेशानी जिस वजह से भी हो रही है, जो भी कमियाँ रह गई हैं उसे पूरा किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहे एबीटीवी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।